कॉलेज का बैठ जाइए ना सर। नहीं नहीं आप बताइए, इस समय तो बीपीएल वाले हमारे पास कोई नहीं। अभी कौन कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी हमारे पास हैं 8 बच्चे हैं। और आप क्या पढ़ते हैं? हेलो, अभी नहीं होगा ये। क्या चल रहा है यहाँ पे? स्कूल चल रहा है या कोचिंग सेंटर? कोचिंग सेंटर है। कौन सा कोचिंग सेंटर? सर नाइस टू मीट यू। यहाँ पे आओ ना आप, हैं आपके रजिस्ट्रेशन बताइए इंस्टीट्यूट का। आप मैम किस स्कूल में काम करते हैं? पढ़ाते हैं? स्कूल में नहीं हूँ मैं। सारे बच्चे आप ये अच्छे हैं? ये सभी अच्छे हैं। ये अभी बताओ कितने पैसे दिए I just want to check, have you applied for registration or not? वो तो receipt दिखाओ ना वो वाली। Hello? मेरे भाई क्या receipt दिखाओ? हाँ जी? किसकी पढ़ी हुई है? स्कूल की टीचर है वो। क्या नाम है उनका सर? को? हाँ। राय गुप्ता। कहाँ लगी हुई है? तो वो दिखा दीजिए तो हम बोल देंगे। आपने कौन सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करवाते हैं या एकेडमिक? कौन सी क्लासेस चल रही हैं? क्लास ऑल। एक तरफ जहां शिक्षा का स्तर गिर रहा है, वहीं अगर बात की जाए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तो उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जम्मू की हिस्से की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आज एक कह सकते हैं पहल की गई है इन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर चेक रखने के लिए। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ADC जम्मू अरुण मनाज सर। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर चेक रखने की कोशिश पहली बार देखी गई इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ये देख रही है, क्योंकि काफ़ी जो है इंस्टीट्यूशन आगे सामने आए। देखिए उसके चलते उनको देखना था कि जो शहर में या पूरे जम्मू कश्मीर में जो मशरूमिंग हो रही है ट्यूशन सेंटर्स की, क्या वो गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं? इसके चलते एजुकेशन डिपार्टमेंट की 2014 की गाइडलाइन है जिसमें दे आर इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी कोचिंग टू एडहेयर टू दोस गाइडलाइन। उसके जो PL चल रहे हैं उसके रहते कुछ दिनों पहले उस पर ये सुनिश्चित करवाने के लिए कहा गया है कि आप उन सब इंस्टीट्यूट को चेक करिए जो शहर में है और ये देखिए कि वो उन गाइडलाइंस को एडहेयर कर रहे हैं कि नहीं। उसके चलते आज आप जैसे आपने देखा जो गलियों में इंस्टीट्यूट, तो हमारा मैंडेट तो यही था कि उनका रजिस्ट्रेशन चेक करें जो उनको कह दिया गया है। तो उम्मीद कर करता हूँ कि जो आज हमने पहल की है एक डेटरेंस एक काइंड ऑफ वार्निंग हो जाए बाकी के लिए भी, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करें। उसे देखा जाता है कि स्कूलों में जब लॉकडाउन किया जाता है तकरीबन एक दो दिन के बाद वो प्रॉब्लम की तरह पक्ष में आ जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाकी कामों में व्यस्त हो जाती है और ये चीज़ें वहीं के भी रह जाती हैं। तो किस तरह आप इंश्योर करेंगे कि इस बार जो है वो प्रॉपर एक रेजोल्यूशन हो? देखिए बात तो सही कही आपने, उसके लिए हमारा जो स्टाफ है जिला प्रशासन का उनको भी हम हिदायत देंगे, एजुकेशन का सब उनको भी कहेंगे और आपको भी ये आग्रह करूँगा कि अगर आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट ने जो आज हमने प्रूफ किया है अगर वो अवहेलना करते हैं हमारे वहाँ तो हमको बताएं। रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है बट वी वुड अलाउ देम टू फंक्शन प्रॉपर्ली। छोटे से कोई जो मालिक है उनके साथ कहना रहता है कि बड़े इंस्टीट्यूट को कभी भी जो है रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है, सिर्फ छोटे इंस्टीट्यूट पर ही ये गाज गिरती है जो दोनों की गाज है। देखिए ये जो पर्टिकुलरली जो ये कार्रवाई थी इसमें जो ऑनरेबल जजेस की कमेटी ने 128 के करीब प्रोग्राम लाई उसके करीब एक लिस्ट दी थी जिसमें बड़े इंस्टीट्यूट भी थे छोटे इंस्टीट्यूट भी थे। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 98 जो इंस्टीट्यूट थे उन्होंने अप्लाई करा हुआ है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उनकी 22 कॉलेजेस की लिस्ट हमारे पास आई थी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने अभी तक 5-6 महीनों के अपने अप्लाई भी नहीं किया है और ये अनरजिस्टर्ड है, इनको क्लोज कर दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए तो कोई बड़ा चिंता नहीं है। तो जब हम
रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं उसके लिए तो सब बराबर है, तो प्रशासन की नज़र में छोटा बड़ा कोई नहीं। सर कंप्लेंट जो है वो एक ये मेजर कंप्लेंट है जो कि लोकल्स की है कि पार्किंग की समस्या रहती है, बिजी रोड है, सेक्रेट को कनेक्ट करता है और पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी, जोनल पुलिस हेडक्वार्टर को कनेक्ट करता है, और इन्हीं इंस्टीट्यूशन की अगर बात की जाए इन्हीं की वजह से जो है ट्रैफिक की दिक्कत रहती है शाम को। तो राइट उसके देखिए एक कंप्लेंट भी थी जो SSP जम्मू से हमारे पास DC साहब के पास आई थी, और उसमें पर्टिकुलरली आकाश गांधीनगर और पश्चिमी ब्रांच और मास्टर माइंड गांधीनगर और पश्चिमी ब्रांच, जिसमें पर्टिकुलरली उनकी यही शिकायत थी कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी जो गाड़ियाँ या टू व्हीलर सड़क पर रहते हैं उसकी वजह से काफ़ी जाम होता है। तो आज आप भी गए थे हमारे साथ, तो हमने देखा उनको वॉर्न किया है, अगर अगले आने वाले 3-4 दिनों में ये पार्किंग का अपने इशूज दे डोंट रिवील आउट देयर इशूज रिगार्डिंग पार्किंग क्लोजिंग द इंस्टीट्यूट अंडर ड्यू प्रोसीजर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ ADC अरुण मेघवाल, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर बात सिर्फ कानून की है ना कि बड़े छोटे इंस्टीट्यूट की, और जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिनमें मास्टरमाइंड और आकाश इंस्टीट्यूट हैं उनको भी एक जो है गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि तकरीबन 2 दिन में वो अपनी पार्किंग की जो मसले हैं वो सुलझाएं, वरना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन इंस्टीट्यूशन को जो है शट डाउन कर देगा। कैमरामैन रमन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, यूनिवर्सल न्यूज़ चैनल जम्मू।